Assalamu alaikum and welcome everyone. I'm your class teacher, Ms. Fajiha, and today I'm taking your lecture of Urdu, for which I'm going to explain you hamd. ठीक, हम्द किसे कहते हैं? हम्द कहते हैं अल्लाह ताला की हमदो सना करने को, अल्लाह ताला की तारीफ करने को. ठीक है, तो अब हमारे कोर्स में पेज नंबर 5 पे हम्द गिवन है, जो कि लिखी है ताहिरा नासिर ने. और ताहिरा नासिर ने हम्द में क्या समझाया है, हमें क्या लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी. लेकिन बिफोर दैट हम नए अल्फाज पढ़ेंगे जो कि इस बुक में ऑलरेडी हमारे पास टॉप पर मौजूद हैं. नए अल्फाज शुक्र, इंसान, तारे, फूल, चांद, रहमत, इशारे, कुदरत, नेमत, मोहब्बत, वाजिब. चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं. ए रब, तेरा शुक्र बड़ा है, तूने हमें इंसान बनाया. हम इसमें कह रहे हैं अपने रब से कि अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्र है आपका, हम आपके बहुत थैंकफुल हैं कि आपने हमें इंसान बनाया है. ठीक, इंसान जो कि हम सब हैं, इंसान जानदार, जिन जो अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं चीज़ों का, हर चीज़ का, जिन्हें समझ हासिल है, जिन्हें अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, ऐसी मखलूक जिसे समझ हासिल है. इस पे करम ये सबसे सिवा है, तूने हमें मुसलमान बनाया. और उससे बढ़कर, उससे ज़्यादा थैंकफुल चीज़ हमारे लिए ये है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है. इंसान तो बनाया है लेकिन मुसलमान बनाया है, मतलब कि हमारा मज़हब उन्होंने हमें इस्लाम दिया है, हमें इस्लाम जैसे दीन में पैदा किया है, हमें मुस्लिम बनाया है. फूल और पौधे, चांद और तारे, कुदरत के हैं सारे इशारे. मतलब ये कि फूल, पौधे, चांद और तारे, ये सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और जो कि हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत जो है वो बहुत अच्छी खूबसूरत सी दुनिया बनाई है, बहुत प्यारी प्यारी उसमें चीज़ें बनाई हैं, जिसमें से बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं और हमें नज़र आती हैं. माँ बाप जैसी नेमत दी है, दिल में इनके मोहब्बत भरी है. अल्लाह ताला का एक जो है वो हम पर, अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट हमें ये भी दिया है, एक एहसान हम पे ये भी किया है कि उन्होंने हमें माँ बाप अता किए हैं. माँ बाप जो कि हमारे पेरेंट्स हैं, जो कि हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं. अल्लाह ताला ने हर पेरेंट का दिल जो है वो बेशुमार मोहब्बत से फिल्ड रखा है. सबके पेरेंट्स उनके बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. हम पर वाजिब सर को झुकाएं, हर पल तेरा हम शुक्र बजा लाएं. अब हम पे ये बात लाजिम होती है, वाजिब होती है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और जो है वो हमेशा अल्लाह ताला के लिए थैंकफुल रहें. ठीक है, अब हम दोबारा से इसको रीड करेंगे. ऐ रब, तेरा शुक्र बड़ा है, तूने हमें इंसान बनाया. उस पे करम ये सब के सबसे सिवा है, तूने हमें मुसलमान बनाया. फूल और पौधे, चांद और तारे, कुदरत के हैं सारे इशारे. माँ बाप जैसी नेमत दी है, दिल में इनके मोहब्बत भरी है. हम पर वाजिब सर को झुकाएं, हर पल तेरा हम शुक्र बजा लाएं. बस ये थी हमारी आज की, आज का लेक्चर था ये आज की हमारी हम थी. मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी. अब आप अपने घर में इसको दोबारा से रीड करिएगा, और जो मैंने इसकी वर्किंग आपकी वर्कशीट में डाली है उसे करिएगा. अल्लाह हाफिज़.